शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को हिंदी लोक भारती के कक्षा 9वीं से पांचवा जो पाठ आपका है अतीत के पत्र भाग पहला हमने पहले पिछले वीडियो में देखा, अब हम लोग भाग दूसरा देखेंगे। इस पाठ में हमने पहले देखा कि विनोबा भावे जी ने पत्र लिखा है किसे। विनोबा भावे जी ने पत्र लिखा है हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को, जिसे वे अपना गुरु मानते थे, और पत्र द्वारा उन्होंने आश्रम के बाहर वो गए थे एक वर्ष के लिए। पहले वो आश्रम में ही रह रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई तो अचानक उन्हें बाहर जाना पड़ा। वो बोले थे वो 3-4 महीने में आ जाएंगे, लेकिन अनेक कार्य उन्होंने बीच में किए, उसका वर्णन इस पत्र द्वारा उन्होंने किया है। और स्वास्थ्य उनका खराब था, स्वास्थ्य ठीक हो जाने के बाद उन्होंने कहा था वो 3-4 महीने में आश्रम आ जाएंगे, लेकिन उन्हें आते आते एक वर्ष लग गए। उस एक वर्ष बिताने का और उस एक वर्ष के दरमियान उन्होंने क्या क्या कार्य किया, उसका सारा वर्णन उन्होंने पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी जी को किया लिखा है। और इसके बाद उन्होंने अपने कार्य में जो कार्य वो आश्रम में रहकर करते थे, वही सारे कार्य उन्होंने आश्रम में के बाहर होने के बावजूद सारे कार्य किए। खाली एक कार्य छोड़कर जो कि खुद की भाकरी यानी रोटी बनाना था, वो प्रवास में संभव न था, इसके लिए वो कार्य उन्होंने नहीं किया, उसका यहाँ पर उल्लेख किया है। इसके अलावा उन्होंने पत्र के द्वारा गांधी जी से ये भी पूछने का प्रयास किया है कि ये सारे कार्य उन्होंने आश्रम के बाहर रहकर किया है, फिर भी अगर उन्हें लगता है कि इन कार्यों में कोई त्रुटि है, कोई गलती है या सुधार की आवश्यकता है, तो वो पत्र द्वारा उन्हें लिखे ताकि उसमें वो सुधार कर सके। अब यहाँ पे देखिए, ये पत्र विनोबा भावे जी ने लिखा, ये हमने भाग पहले में देखा। अब भाग दूसरे के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि महात्मा गांधी जी पत्र द्वारा विनोबा भावे जी को क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं। वह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम। यहाँ पर देखिए, गोरख जो थे वो शिष्य थे और मच्छंदर गुरु थे, लेकिन शिष्य इतना काबिले तारीफ था कि उसने अपने गुरु मच्छंदर को हराया, अर्थात वो इतना ज्ञानी हो गया और इतनी अच्छी सीख उसने पाई कि उनके क्या जो ऐसा ही शिष्य होना चाहिए जो कि गुरु के हर कसौटी पे खरा उतरे और उसकी सारी बातों का अनुकरण करे। तो वो बोल रहे हैं कि शिष्य गोरख ने क्या किया था, मच्छंदर को हराया, भीम है भीम। ये जो थे ये प्रशंसा किसके लिए कर रहे हैं, विनोबा भावे जी के लिए। महात्मा गांधी जी ये प्रशंसा विनोबा भावे जी के लिए कर रहे हैं कि विनोबा भावे किसके समान है, उस शिष्य गोरख के समान है जिसने अपने गुरु मच्छंदर को हराया, भीम है भीम। भीम है भीम का अर्थ ये हुआ कि पौराणिक काल में कैसे गुरु शिष्य की परंपरा चली आई, अब उसमें जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके शिष्य थे भीम, और भीम कैसे बहुत ही बलवान और शक्तिशाली थे अपने पांचों भाइयों में, तो वही कहा है कि इस प्रकार से यहाँ पर प्रशंसा कर रहे विनोबा भावे जी की कौन, महात्मा गांधी जी। ये उद्गार बापू के मुंह से निकले थे, सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया, तुम्हारे लिए कौन सा, ये उन्होंने पूछा था कि क्या परिवर्तन की आवश्यकता है या काल में फेरबदल की आवश्यकता है, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं ये मुझे नहीं सूझता, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। यानी उनको ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि तुम्हारा कार्य किस प्रकार हो, वो अपने से ही इतने अच्छे से कार्य कर लेते हैं कि बोलते हैं तुम्हारा मोह, तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वो मुझे क्या करता है, चरित्र जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, तुम्हारी पर्सनालिटी है, वो मुझे मोह में डुबो देता है, तुम्हारी परीक्षा करने में असमर्थ हूँ। यानी तुम खुद ही इतने सक्षम हो कि मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, जो कार्य मैं चाहता हूँ वो मेरे चाहने से पहले ही तुम उस कार्य को पूर्ण कर देते हो, तुमने जो अपनी परीक्षा की मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कई बार देखो क्या होता है, आजकल कैसे होता है, बच्चे लोगों को परीक्षा में वहाँ पर निरीक्षण के लिए शिक्षक या शिक्षिका होती है, फिर भी वो प्रयास करते हैं जिस प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे किसी से पूछ के लिख दे और नकल कर ले, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि इनको क्या है, किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये सभी में कैसे परीक्षा लेने में कौन असमर्थ है, महात्मा गांधी जी, तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, अपनी सारी परीक्षा उन्होंने खुद ही ले ली है, तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ,
ये यहाँ पर खुशी खुशी कह रहे हैं महात्मा गांधी जी कि तुम्हारे लिए जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र में परिवर्तन लाना चाहता है, अच्छे परिवर्तन लाना चाहता है, अच्छे संस्कारों को देखना चाहता है, वो बोलते हैं तुम में वो सारे गुण हैं, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करने को तैयार हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही कर दिया। लोभ को अर्थात उनकी इच्छा को बोल रहे हैं, मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही कर दिया है। मेरी मान्यता, मान्यता अर्थात मेरा विश्वास है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कि सच्चा जो पिता होता है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सच्चा, मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ दिया है उसमें वृद्धि कर दिए। ये बहुत ही सही बात है। हर पिता यही सोचता है, हर पिता यही सोचता है कि जो कुछ मैं हूँ मेरा पुत्र उससे 10 गुना आगे जाए, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो संपत्ति की या कार्य की तुलना में, व्यक्तित्व की तुलना में, हर चीज़ में हर पिता यही चाहता है कि जो कुछ मुझ में गुण है, गुण अवगुण नहीं, गुण है, उसमें मेरा पुत्र मुझसे कहीं आधे आगे निकल जाए। और सच्चा पुत्र वही है जो उस पिता को दिए हुए, पिता द्वारा जो प्राप्त है उसमें 10 गुना वृद्धि करे, उसमें क्या करे, आगे बढ़े। तो पिता सत्यवादी दृढ़ दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करते हैं। बहुत सी चीज़ें हम कहते हैं कि हमें विरासत में मिलती है, पिता द्वारा मिलती है, माता पिता द्वारा या हमारे वंशानुक्रम में होती है, उससे प्राप्त होती है। ये बात सच है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जिसे हमें अर्जित नहीं करना पड़ता, वो हमारे अंदर अपने आप वो संस्कार आ जाते हैं। हमारे जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, जिस सांचे में हमको ढालते हैं, जिस संस्कार हमको जो संस्कार हमें देते हैं उसके अनुरूप हम उसमें ढल जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पिता सत्यवादी दृढ़ दयामय हो तो स्वयं, यानी ये सारे गुण अगर पिता में हैं तो बच्चों में आना स्वाभाविक है। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है, तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया ऐसा मुझे मालूम नहीं होता। देखिए पहले तो वो कह रहे हैं कि अगर पिता में ये गुण हैं तो बच्चों में आना स्वाभाविक है, लेकिन मैंने ऐसा सिखाया इसके लिए तुमने किया ऐसा नहीं, तुम इसमें खुद ही सक्षम हो, ये तुम्हारा अर्जित किया हुआ है, तुम्हारे में ऐसे गुण हैं जिसके कारण तुम ऐसे हो, मैंने सिखाया दिया हुआ गुण नहीं है, तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया ऐसा मुझे मालूम नहीं होता है। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ, उस पद के योग बनने का प्रयत्न करूँगा, और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि यहाँ पर विनोबा भावे जी की तारीफ करते हुए उन्हें बड़ा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप कौन था, ये असुरों का राजा था, वह चाहता था कि सब लोग उसे भगवान माने और उसकी पूजा करें, उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा जो थी बंद करा दी थी। और प्रहलाद उनका पुत्र था, वो क्या करता था, हिरण्यकश्यप को राजा न मानकर विष्णु भगवान को ही अनन्य भक्त था, उनको मानता था, तो उसने विष्णु के विरोधी पिता ने उसे मरवाने के लिए, वो उसका पिता अपने ही पुत्र को मारना चाहता था क्योंकि वो विष्णु भगवान की पूजा करता था, अपने पिता को पूजा नहीं करता था या उन्हें भगवान नहीं मानता था। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं क्या करूं उस योग्य साबित न हो पाऊं तो तुम भी मेरा निरादर करना, यानी अपमान करना, मेरी इज्जत मत करना। तुम्हारी ये बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया, तुम्हारे आश्रम में आने के बाद मैं मुझे शंका थी ही नहीं, यानी इन्हें पूरा विश्वास था कि वो आश्रम अवश्य आएंगे, जरूर कोई व्यवधान पड़ा होगा या कोई कार्य आया होगा जिसके वजह से 3-4 महीने की जगह उन्हें 1 वर्ष आश्रम पहुंचने में लग गया। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे, जो बताया कि उनको मामा फड़के को पत्र लिखे थे तो मामा फड़के ने इनको सूचित किया था। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, दीर्घायु दे मतलब लंबी आयु दे, तुम्हारे उपयोग हिंदी की उन्नति के लिए हो यही मेरी कामना है। पहले मैंने बताया कि इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार अधिक करने का प्रयास किया, उसके लिए अनेक संस्थाओं की अनेक स्थानों पर नियुक्ति की। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार के परिवर्तन का अभी तो मुझे
कुछ भी नहीं लगता है, दूध का त्याग अभी तो मत करना। क्यों? इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ, क्योंकि ये नमक नहीं खा रहे हैं, तेल मसाले नहीं खा रहे, बहुत सी ऐसी वस्तुएं नहीं खा रहे हैं जिससे इनके स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो बोल रहे हैं कि कम से कम दूध तो क्या बंद मत करना, हो सके तो उसे और बढ़ाओ ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़े। अभी तो मैं रमता राम हूँ, दो एक दिन में दिल्ली आऊँगा। रमता राम मतलब फक्कड़ या स्वभाव का, जो एक स्थान पर न रहकर यहाँ वहाँ घूमता रहे। रमता राम हूँ, दो एक दिन में दिल्ली आऊँगा। विशेष तो जब आओगे तब सब तुमसे मिलने के उत्सुक है, बापू के आशीर्वाद। अब यहाँ बोल रहे हैं कि सभी इनसे मिलने के लिए क्या है, उत्सुक हैं। जब आप आओगे तब ये बापू का आपको आशीर्वाद है। बाद में बापू के उद्गार, बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं, उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी। अब ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्रियों मद्रासियों के साथ, यानी उन धर्म के व्यक्तियों के साथ मेरे अच्छा संबंध रहे हैं, उसमें भी जो महाराष्ट्रियों में, यानी विनोबा भावे जी महाराष्ट्र थे, तो वो बोल रहे हैं कि मराठी धर्म के थे, तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मुझे तो निराश नहीं किया और इनके जो कार्य थे उन्होंने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है, बहुत ही खुश किया है। ये यहाँ पर ये स्पष्टीकरण समाप्त हो रहा है। अब यहाँ पर शब्द संसार देखेंगे। अस्वादन यानी फीका भोजन करने का व्रत, अपरिग्रह अर्थात संग्रह न करना, करघा कपड़ा बुनने का यंत्र, रमताराम यानी फक्कड़ एक स्थान पर न टिकने वाला, वाच चातुर्य बोलने में चतुराई, अचेतन यानी चेतना रहे, मुहावरे हाथ लगना प्राप्त होना, हृदय में स्थान बनाना किसी का प्रिय बनना, निरादर करना यानी अपमान करना। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर है जो मैं आप लोगों को PDF द्वारा भेज दूँगी, जिसके उत्तर लिखकर आप मुझे मैसेज द्वारा भेजेंगे। यहाँ पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। यहीं पर स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।